चुनाव की पूरे देश में चर्चा हो रही है, इंदौर भी उससे अछूता नहीं है। कांग्रेस ने इस बार एक युवा उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और उम्मीद की जा सकती है कि ये युवा कुछ काम करेगा, क्योंकि लीड काफी बड़ी है और जिम्मेदारी भी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर काफी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा। हम बात करेंगे उन्हीं के नेतृत्व में, विधानसभा भी लड़े गए थे लेकिन सफलता नहीं मिली, लोकसभा में क्या करने वाले हैं। सुरजीत भाई बहुत स्वागत है आपका मधुबाची में। आप भी युवाओं की श्रेणी में आते हैं, कांग्रेस ने युवा सोचकर ही आपको शहर अध्यक्ष बनाया था, इसे दुर्भाग्य कहें या आपकी कहीं ना कहीं कमी कहें, जिसके चलते इंदौर से 9 की 9 विधानसभा सीटें आप हार गए। अब लोकसभा एक बड़ा टास्क है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, परिस्थितियां और समय सब चीजें कराता है। जहां पर हम लोग सरकार बना रहे थे, पूरा शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, पर हमारी ही कुछ योजनाओं को हमने समय से पहले लागू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको हाथों हाथ लिया और एक लाडली लक्ष्मी बहना योजना चालू की, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों को लगभग लगभग 60 से 70 सीटों पर बड़ा नुकसान हुआ। जो बीजेपी 70-75 पे सिमट जाने थी वो 163-164 पे चले गई। तो ये परिस्थितियां और समय से हुआ है। आज लोकसभा चुनाव है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछले चुनाव से हताश जरूर था पर निराश नहीं है। आज हमारे यहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर पे हैं, कांग्रेस का संगठन तैयार है और हम लोग निश्चित रूप से हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे और ये तय है कि हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा है, युवा है, शिक्षाविद है, बहुत अच्छा बोलता है, एक ऐसे परिवार से है जिस परिवार ने इंदौर को और इंदौर के जैन समाज को और पूरे इंदौर को, उन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के हर छोटे तबके की उस परिवार ने, बम परिवार ने मदद की। अक्षय बम के बारे में कहा जाए, जैसे आपने कहा शिक्षाविद हैं, वो निश्चित रूप से कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह चलाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एक शिक्षाविद होने के कारण ही इंदौर की जनता उनको चुन लेगी? क्योंकि जो सामने वाले प्रत्याशी हैं पहले ही पिछले चुनाव 5 लाख से अधिक वोटों से जीत चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो ये कहाँ तक संभव, ये 5 लाख की लीड कैसे कम करेंगे, क्योंकि आप हर विधानसभा हारे हुए? देखिए, परिस्थितियाँ निश्चित रूप से अनुकूल नहीं थी, पर जब से हमारा एक युवा प्रत्याशी मैदान में आया है और जब वो अपना प्रेजेंटेशन देता है, जनता के बीच में जाता है, अपनी बात को रखता है, तो कहीं ना कहीं उससे जनता जुड़ रही। वो आदमी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, बोलता बहुत अच्छा है, अपनी बात को बहुत अच्छी रखता है, कांग्रेस की योजनाओं को अच्छी रखता है। राहुल गांधी जी ने जो 1200 रुपये में इन लोगों ने इस प्रदेश पे कब्जा कर लिया, आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको 8,500 रुपये महीना दिया जाएगा, आप 12 महीने का उसका औसत निकालेंगे तो 1,00,000 रुपये साल एक परिवार को देने की हमारे मैनिफेस्टो में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी ने घोषणा की है। ऐसी कई योजनाओं को उन्होंने लागू किया है और निश्चित रूप से ये योजनाएं लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उसका सकारात्मक परिणाम हमको मिलेगा। विधानसभा में तो हमने देखा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता में काफी ऊर्जा थी और आप में भी काफी ऊर्जा थी, एक एनर्जी थी, आपको भी ऐसा लग रहा था, जनता भी कहीं ना कहीं साथ दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि हाँ वाकई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से आप 9 की 9 सीटें हार गए। उसके बाद जैसे आप बोल रहे हैं कि मनोबल टूटा, ये बड़ी बात है, एक नेता का ये स्वीकार करना कि कार्यकर्ता का मनोबल टूटा है ये बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव में क्या उतनी एनर्जी के साथ कार्यकर्ता काम कर पाएगा? और ये भी देखने में आया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस का वोट होता है वो कम पड़ता है, बीजेपी का वोट ज्यादा पड़ता है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कार्यकर्ता निराश हताश था और उसके बाद हमने हमारे कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उनसे बात की, उनको फिर से जुटने के लिए कहा, जवाबदारी दी, जिम्मेदारी दी और आज हमारा कार्यकर्ता मैदान में है। कहीं ना कहीं हमारा वर्कर आज पूरी ताकत से लग गया है, चुनाव बहुत अच्छे लड़ेंगे, हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छा है, फ्रेश है, ईमानदार चेहरा है, हसमुख चेहरा है और एक ऐसा चेहरा है जिसके परिवार ने इस इंदौर को कुछ न कुछ दिया है। और बात रही
कि हमारे चुनाव वर्कर के निराश होने की, वर्कर निराश नहीं है, वर्कर देखिए कार्यकर्ता कभी कमजोर नहीं होता, नेता कमजोर होता है या भागता है। आज जो स्थिति बन रही है उसमें हमारा कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ है और पूरी ताकत से। इसे इस बात से जोड़कर देखा जाए कि जो नेता हैं वो कमजोर थे और भाग भाग कर बीजेपी के में चले गए, और जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी कांग्रेस में और रहेंगे। निश्चित रूप से हमारा वर्कर आज भी डटा है, मैदान में है। जो लोग जा रहे हैं उनका निजी स्वार्थ है, वो अपने निजी स्वार्थ से जा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को जब वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलो, तो वो कहते हैं कि भैया आपने हमसे पूछा था क्या जाने के पहले? आप अपने निजी स्वार्थ से गए, आप अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से गए, आप हमसे पूछ के जाते तो हम विचार भी करते। हमारे यहाँ से जो जो लोग गए उन्होंने हमारे सब वर्करों को फोन लगा लिए, सब ब्लॉक अध्यक्षों को, वार्ड अध्यक्षों को, पार्षदों को। आप बताइए कौन गया? कोई कार्यकर्ता नहीं। विधानसभा एक में हाल ही में मीटिंग करी, वहां से संजय शुक्ला हार गए चुनाव कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन अब बीजेपी में शामिल है, तो क्या बीजेपी डरा कर ले रही है या आपने से कहा कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग जा रहे हैं? देखिए वहां पर गया कोई नहीं, संजय शुक्ला जी के कुछ चंद समर्थक उनके साथ गए हैं, बाकी पार्टी का जो एक्चुअल वर्कर है, जो पार्टी के लिए लड़ता है, मरता है, हर समय खड़ा रहता है, वो आज भी कांग्रेस के साथ है, वो नहीं गया। और उसके बाद उन्होंने सबको प्रलोभन देने की कोशिश की कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर कोई वर्कर जाने को तैयार नहीं है। आपको कोई ऑफर आया क्या? जी नहीं, ना मेरे को कोई ऑफर आया और ना मैं कभी इस कांग्रेस को मैं कभी छोड़ने का विचार नहीं कर सकता। मेरे पिता उजागर सिंह जी ने इंदौर में इस कांग्रेस को सींचा है, उन लोगों ने अपनी 40-50 साल इस पार्टी में दिए हैं, मुझे इस पार्टी ने 3 बार पार्षद बनाया है, विधानसभा का टिकट दिया है, और आज मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मेरी इस उम्र में 50 साल की उम्र में अगर मुझे इतना मिला है तो मुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की? मेरे परिवार का इस इंदौर में योगदान है, बलिदान है, और हम लोग स्वार्थी नहीं है, हमारा कोई गलत काम नहीं है, इसलिए हमें कहीं किसी के साथ न जाने की जरूरत है, न मुझे कोई ऑफर आया और न मैं कभी इस कांग्रेस को छोड़ सकता हूँ। मेरा अंतिम सवाल, पहले 5 लाख से जीत चुकी है बीजेपी, अब दावा किया जा रहा है कि 8 लाख से ऊपर से जीतेंगे आप, परिस्थितियाँ आपको दिखेंगी। यही इंडिया शाइनिंग था, हमने वो भी परिस्थिति देखी है जब इंडिया शाइनिंग है और ये हो गया और वो हो गया। देखिए ये पूरा जो है एक प्रोपोगंडा है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछली बार से कम आएंगी और हमारा चुनाव बहुत संघर्ष में रहेगा। हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छा है, युवा है और उसमें जोश है। एक व्यक्ति वो होता है जो निराशा से भरा हुआ होता है, ये व्यक्ति आशा से भरा हुआ है, ये व्यक्ति लड़ना चाहता है, युवा है, पहला चुनाव लड़ रहा है। तो जब पहला चुनाव कोई व्यक्ति लड़ता है तो वो जबरदस्त एनर्जी के साथ लड़ता है, तो हम लोग बहुत अच्छी एनर्जी के साथ लड़ रहे हैं और हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप से बहुत अच्छा चुनाव लड़के एक अच्छी फाइट दे रहा है। जी यहाँ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा नेता भी हैं, सुवेग राठी, काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जयवर्धन के साथ काफी काम किया है आपने, आप युवा हैं, पिछले 20-21 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ आपको, जब से आप इस फील्ड में आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको युवाओं का, कहीं इस युवा उम्मीदवार को समर्थन मिल सकता है इंदौर में? निश्चित रूप से मिलेगा। इस देश के अंदर आज की तारीख में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है, 75 साल के इतिहास में हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है आज की तारीख में। तो ये किसके कार्यकाल में हमने उपलब्धि हासिल करी है? 10 साल के मोदी जी के शासनकाल में ही हमने ये उपलब्धि हासिल करी है। आज सारे व्यापार व्यवसाय काम धंधे ठप हैं, GST की ऐसी मार पड़ी है, नोटबंदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुकी है, काला धन जो बोला गया था, सब चीजों के माध्यम से हर सेक्टर के ऊपर फर्क पड़ा है। और इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन हुआ है? सबसे ज्यादा युवा वर्ग प्रताड़ित हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी हाल में आप देख सकते हैं IIT बॉम्बे के अंदर 36% पहली बार ऐसा हुआ है, 36% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिला है, जो सबसे उच्च संस्थान है हमारे IIT और IIM। तो इस देश का युवा क्या फिर साथ में होगा मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के? तो इसमें कांग्रेस कहीं ये साबित नहीं कर पाई कि वो युवाओं के साथ है? आपके पास युवा चेहरे जरूर हैं, राहुल गांधी जी की बात कर लें या हम इंदौर के प्रत्याशी सुवेग अक्षय बम जी की बात कर लें, आप जैसे और तमाम कार्यकर्ता हैं, तो ये कांग्रेस अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाई युवाओं के लिए? ऐसा नहीं है, कांग्रेस अपने आप को प्रेजेंट तो कर रही है, हर जगह कर रही है। समस्या ये है, आप अपने ऊपर अदरवाइज मत लीजिएगा, है ना, पर मैं एक लार्जर वे में बात कर रहा हूँ। पूरे देश के अंदर आपको मालूम है मीडिया की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थिति क्या है, प्रिंट मीडिया की क्या है, अब तो डिजिटल मीडिया की स्थिति क्या हो चुकी है।
सोशल मीडिया की, गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड बोलती है कि ये पोस्टें हटा दीजिए, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो कैसे दिखेगा? जनता तो रोड पर आती है, आप देख सकते हैं। जनता एक जमाना था जब 1 लाख लोग इकट्ठे हुए ईवीएम के विरोध में, 1 लाख लोग, दिखाया किसी ने भी? नहीं दिखाया ना। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर दिखाया जा रहा है कहीं भी? 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए हैं, देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, और नंगे हो चुके हैं मोदी जी की सरकार। सिस्टमैटिकली वे में एक्सटॉर्शन कैसे किया जाता है? ये बात मान भी ली जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव है, इसके चलते वो आप विपक्ष को नहीं दिखा रहा है या नहीं छाप रहा है। लेकिन हम अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो उस दौर में तो ऐसा कोई दौर नहीं था, मीडिया तो इतना हावी नहीं था, यानी कि इतना प्रचार प्रसार होता नहीं था, तभी तो आप अपनी योजनाएं लेके कांग्रेस जाती थी। यही तो कह रहा हूं मैं आपको कि उस दौर के अंदर कुछ नहीं था, तब भी कांग्रेस थी ना, तो कांग्रेस हमेशा रहेगी और कांग्रेस के साथ इस देश का युवा रहेगा, चाहे राजीव गांधी जी थे, चाहे अब राहुल गांधी जी, और आने वाले समय में भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी में ही सबसे ज्यादा युवा नेताओं को मौका मिला है आज तक, आप उठा के देख सकते हैं, जो पार्टी छोड़ के भागे भी हैं आज भाजपा में, उनको भी मौका कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है, सब लोगों को। तो इस देश का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है और सब समझता है, और क्रांति का आगाज होगा इस चुनाव के अंदर, आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने पहले चुनाव करा दिए थे इंडिया शाइनिंग के अंदर मुगालते में, और ये वही मुगालते में है अभी भी। आपको क्या लगता है जो आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें जो इसे न्याय पत्र नाम दिया गया है, इसमें युवाओं को लेकर ऐसी कौन सी बात है जिससे कि आप युवाओं को कांग्रेस की तरफ या विपक्ष अपनी तरफ आकर्षित कर सके और मोदी जी के कैंप के अंदर कुछ हलचल पैदा कर सके? इतने सारे मुद्दे हमने दिए, मैं तो आपको एक ही बात बता देता हूँ बस, सिर्फ केंद्र सरकार में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। हमने बोला है हम पहले फुर्सत में आते से ही सबसे पहला हमारा कार्य रहेगा, हम 30-35 लाख नौकरियां खाली हैं उनको भरने का काम करेंगे। 30-35 लाख नौकरियां अगर युवाओं को पढ़े लिखे युवाओं को मिलती है तो 30-35 लाख परिवारों को सहारा मिलता है उससे, ऐसे दौर के अंदर, भीषण दौर में जब बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी, और निश्चित रूप से युवा इस बार परिवर्तन लेकर आएगा, युवा ही परिवर्तन लेकर आएगा। बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे स्वेग राठी, इससे पहले बात की हमसे सुरजीत सिंह चड्ढा जी ने, दोनों ने बताया कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें युवाओं को खास तौर पर तवज्जो दी गई है, और इंदौर का जो प्रत्याशी है वो भी युवा है, शिक्षित है, इंदौर में भी बदलाव आ सकता है, और फिलहाल जो बीजेपी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है उसकी कहीं ना कहीं हवा निकल जाएगी, ऐसा इन दोनों ही नेताओं का कहना है। ये समय बताएगा, चुनाव परिणाम बताएंगे कि बीजेपी को कितना नुकसान होता है, कांग्रेस और विपक्षी दल कहां तक आगे बढ़ पाते हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अर्शद खान, मृदुभाषी, इंदौर।